अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गजनफर और आज एक्सेल की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं एक्सेल में। एक्सेल बहुत इन डेप्थ हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कस्टमाइजेशन की। ये कस्टमाइजेशन जैसे एक्सेल की जो वर्कशीट्स हैं उसमें हमें मिल जाती है, उसको हम रीनेम कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी एक्सेल की शीट में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है। ये कस्टमाइजेशन जो है वो रोज़ और कॉलम्स में हमें मिल जाती है कि एक रो को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसकी साइज़ वेरी हो सकती है, एक कॉलम की साइज़ हम वेरी कर सकते हैं। और यही कस्टमाइजेशन जो है वो हमें मेन्यू में भी मिल जाती है। जैसे इसके ये डिफरेंट मेन्यूज़ हैं और उसके नीचे डिफरेंट रिबन्स ओपन हो जाती हैं, होम की स्क्रीन में डिफरेंट रिबन्स आपके पास अवेलेबल हैं, आइकन्स अवेलेबल हैं जिनसे हम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट मेन्यू में जाना पड़ता है, आपने सॉर्ट करना है तो वो आप डेटा के मेन्यू में जाके सॉर्ट और फिल्टर के फंक्शन यूज़ करेंगे, आपने कोई इंसर्ट करना है कॉलम चार्ट वगैरह ग्राफ्स इंसर्ट करने हैं तो वो इंसर्ट के मेन्यू में जाके कर सकते हैं। होम में जाकर आप डिफरेंट फॉन्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी कस्टमाइजेशन आपको डिफरेंट मेन्यू में जाके अवेलेबल हो जाती है। यही चीज़ अगर आप की रिक्वायरमेंट है कि जो फंक्शंस आपके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करके और कस्टमाइज द रिबन में जाकर एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। वो इस तरह से जैसे होम स्क्रीन में अगर कि मैं चाहूँ कि मैं एक नया ग्रुप इंसर्ट कर दूँ और उस ग्रुप को मैं रीनेम कर दूँ अपने नाम से और वो तमाम फंक्शंस जो मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं उनको मैं यहाँ ऐड कर दूँ। जैसे ये कॉपी का फंक्शन मैं बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ, कट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिल का ऐड कर लें, ये मैं सैम्पल के तौर पे इसमें डिफरेंट ऐड कर रहा हूँ और फ्यूचर में जाके बहुत एडवांस एक्टिविटीज़ में अगर मैं कुछ मैं मैक्रोज बना लेता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं मैक्रोज एक ही जगह पे वो मुझे मिल जाए, सेव का फंक्शन मुझे यहीं मिल जाए। और इसको अगर कि मैं अपने होम स्क्रीन में बिल्कुल टॉप पे ले जाता हूँ और ओके कर देता हूँ तो ये देखें ये यहाँ पर गजनी का मेन्यू यहाँ पर अवेलेबल है और इसमें वो तमाम फंक्शंस के जो किसी दूसरे रिबन में मेरे पास मौजूद थे वो सब मैंने एक जगह पर कंपाइल कर दिए हैं और ये फंक्शन हमें बहुत काम आता है जब हमारी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी शीट पर। तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो तमाम फंक्शंस जो आपके पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं वो उसके लिए आप अपना एक कस्टमाइज मेन्यू बना लें और उसको यहाँ पर इस्तेमाल करते रहें। मेरे ख्याल से आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी सजेशंस हो, आपका फीडबैक हो वो मुझे आप ज़रूर दें ताकि मैं इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर सकूँ।